फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो ठंड जो है अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स। इधर आप देख सकते हैं कि ये है स्वीट पोटैटो का प्लांट। तो स्वीट पोटैटो के प्लांट को हैंगिंग बास्केट के रूप में भी हम सभी लगाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं हैंगिंग बास्केट में ये। और आप देख सकते हैं ये है मेरा ग्रीन कलर वाला स्वीट पोटैटो का प्लांट, और इसके पर्पल वाले प्लांट भी होते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होते हैं फ्रेंड। और जो शकरकंद हम खाने में यूज करते हैं तो उसी को कट करके अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो इस तरह से इसके प्लांट जो है रेडी हो जाते हैं। मैंने भी जो प्लांट आप देख रहे हैं उसे शकरकंद से इस तरह से फ्री में लगाया है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा टाइम है, अगर शकरकंद जो है उसे आप कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो इस तरह से आपका शकरकंद का जो प्लांट है वो फ्री में रेडी हो जाएगा। और अगर आप शकरकंद की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसे बड़े से ग्रो बैग या फिर ज़मीन में लगा देंगे तो अभी बहुत ही अच्छे से शकरकंद का जो प्लांट है इस तरह से इसकी जो ब्रांच है इसे कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसके जो प्लांट है उसमें जड़ बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वीट पोटैटो का जो प्लांट है उसे कटिंग से रेडी करना बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो इसे आप या तो ग्रो बैग में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे आटे की इस तरह के ग्रो बैग में ही लगा के रखा है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी होती है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। फ्री में स्वीट पोटैटो का जो प्लांट है वो रेडी करना चाहते हैं या फिर इसके सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट रेडी करना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी आप कटिंग लगा लीजिए। इसे पानी में भी रख के ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये जो प्लांट है पानी में भी ग्रो हो जाता है। इसके सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं तो देखने में भी ये जो प्लांट है सुंदर लगेगा और इसके फ्रूट भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं।